शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदा जाड्य अंधकार हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदम् ओम रील रिक हे ओम ऐ औच हयवरटलन यमगणन जबयो गडदस जब गडदस खप चट चट तव कपयो सस सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणि। हलंत पुल्लिंग में हमारा विचार चल रहा है और ये अयंचु धातु पर हमारा विशेष विचार चल रहा है। अंचु धातु जो है ये अयंचु यकार है तो उच्चारण में क्या यकार को नकार भी बोली जाता है, तो जैसे गेसी वाले को गित बोल जाता है ऐसे या गश बोल जाता है बोल जाता है कई बार, तो अयंचु धातु है तो अंचु धातु कहो। तो ये गति पूजनीय धातु है ये अर्थ में है, तो अभी गति अर्थ में हमारा विचार चल रहा है। पूजा करने के या पूजन के अर्थ में जो रूप सिद्धि होगी वो भी आगे आने वाली है, बल्कि उसमें कुछ विशेष कार्य भी होगा। अभी गति अर्थ में हम इसका काम कर रहे हैं क्योंकि इसका गति अर्थ में भी प्रयोग है इसी धातु का और पूजन अर्थ में भी प्रयोग है अयंचु। अच्छा अयंचु धातु हमने देखा था अनिदिताम हल उपदाया अंगिति सूत्र जो है, जो उपदा थी अनिदित की जो उपदा थी उसको ये लोप करता जा रहा था, तो इसके नकार का लोप होता चला जा रहा था। इसी के क्रम में हमने देखा था पूर्व के पाठ में प्राय उपसर्ग पूर्वक हमने देखा था रूप एक की सिद्धि भी की थी और रूप हमारा सिद्ध हुआ था प्रांग प्रांचौ प्रांच। इसका मतलब होता है कि पूर्व का कोई देश हो पूर्व का कोई काल हो पूर्व दिशा का हाँ और गति से संबंध है इसका, या पूर्व की ओर चलने वाला कोई हो या पहले चलने वाला कोई हो, इस प्रकार इसका है गति से संबंध है इसका और पूर्व से संबंध है। ये प्रांग हमने सिद्ध कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था प्रति प्रतिपूर्वक अस धातु, तो प्रतिपूर्वक अस धातु में हम अयंचु धातु में फिर से यकार का लोप कर दिया था हमने वही सूत्र से अनिदिताम हल उपदायांगिति से, और रूप सिद्धि की थी प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंच प्रत्यंचम इस प्रकार रूप सिद्धि की थी। प्रति से जो प्रत्यंग बना ये पश्चिम के देश प्रा वाले को जो बना हमारा प्रांग वो तो पूर्व का हो गया, ये पश्चिम के देश हो पश्चिम का कोई काल हो या पश्चिम में कोई रहने वाला जन व्यक्ति हो पश्चिम में रहने वाला या पश्चिम की तरफ कोई जाने वाला हो, पश्चिम को थोड़ा विपरीत भी कहते हैं तो ऐसा भी कह देते हैं इसके लिए कि विपरीत दिशा में जाने वाला, पश्चिम को थोड़ा पीछे की दिशा भी बोलते हैं कि चलो पीछे की ओर जाने वाला, तो एक का अर्थ पूर्व निकला पूर्व दिशा के लिए विशेष आई बात और प्रति का अर्थ जो है वो पश्चिम के लिए आया, इस प्रकार हमने रूप सिद्धि की थी। अब हमारा यही धातु जो है उद पूर्वक आएगी, यही धातु उद के साथ आएगी, अयंचु ही है अयंचु, ओकार तो आपका चला ही गया
और ऋत्विक ददृक्ष रक्त कृष्ण गैंचो युजि गुंजाम चासे क्विन प्रत्यय हुआ, ये भी आप जान ही रहे हैं, ऋत्विक ददृक्ष सूत्र पढ़ के आए हैं पीछे से, क्विन प्रत्यय के लिए होता है। और क्विन प्रत्यय जो है ये कृदंत है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाती है, और क्विन प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है, ये भी आप जानते हैं, सारा का सारा स्वाहा हो जाता है, नकार अलंत्यम से ककार लसकवत अधिके से वकार की प्रत्यय संज्ञा होके वकार भी चला गया वेर प्रत्यक्ष से, ये इसमें एक बात हम देख के आए थे। तो उद और अंत में अच रह गया और पर में जो है सुविभक्ति का सु आ गया। अभी स्थिति क्या आ रही है, जैसे प्रा ले लिया, प्रति ले लिया, अब उद ले रहे हैं, उद का मतलब निकल जाएगा उत्तर की तरफ, जैसे प्रा का निकला था प्रा से पूर्व और प्रति से पश्चिम, उद से निकल जाएगा उत्तर, ये उत्तर दिशा की बात करेगा। तो स्थिति आएगी उद अंश का अच बच गया, ये तो आप इतना भर तो आप जान ही लेंगे, इसे तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और सु का सकार रह गया, ये तो जाने आप कितनी बार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप नुम का आगम कर लीजिए। नुम का आगम करने के लिए कौन सा सूत्र है हमारे पास, उगतचाम सर्वनाम स्थाने से कर लेंगे। नुम का आगम करने से नुम में जो है नकार मात्र रह जाता है, और नकार मात्र रह गया, जैसे ही नकार किया हमने, अब पर में सकार बैठा है, तो सकार पर में बैठा हुआ है, तो सकार का लोप करने का भी सूत्र हमें प्राप्त है। सकार का लोप किससे कर लेते हैं हम, हल्गाभ्यो दीर्घास प्रक्तम अल से, ठीक है, सकार का लोप कर लेते हैं। और संयोगांतस्य लोपः, क्योंकि स्थिति क्या हो जाएगी उद, तो ऐसा का ऐसा ही है, और इसमें नुम का आगम हो गया, तो ये नकार चकार अनच और पर में सकार, सकार का लोप किससे कर दिया, हल्गाभ्यो दीर्घास से, और नकार और चकार की यहाँ संयोग संज्ञा है हलोअंतरा संयोगा से, तो हलोअंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा है, तो चकार जो है वो चला जाएगा किससे, संयोगांतस्य लोपः से। ये सूत्र तो सब याद है ना, संयोगांतस्य लोपः से। अब यहाँ क्या रह गया, उद और अन मात्र रह गया, उद और अन रह गया। अब अन का जो नकार है यहाँ देखिए, क्योंकि ये क्विन प्रत्यय वाला है, यहाँ पर ये शब्द तो है ही क्विन प्रत्यय वाला, तो क्विन प्रत्यस्य कुहु सूत्र आपके पास उपलब्ध है। क्विन प्रत्यस्य कुहु क्या करता है, इसको नकार को जो है कवर्ग आदेश कर देगा। अब कवर्ग में तो पांच वर्ण है, तो व्यवस्था देखेंगे तो व्यवस्था दी जाएगी, तो नकार के स्थान पर ककार हो गया। यहां तक इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उद अब क्या हो गया, अंग इस तरह का हो गया, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उदंग। अर्थ क्या आ गया इसका, उत्तर का देश काल या कोई व्यक्ति उत्तर का या उत्तर की तरफ जाने के लिए उदंग, ये प्रथमा के एक वचन में हमारा ये रूप सिद्ध हो गया। अब उसी तरह से उद धन अच धन दूसरा प्रत्यय क्या आ गया, औ द्विवचन का, औ प्रत्यय में क्या हुआ, फिर से हमने उद धन अच धन औ में क्या किया, अच तो आप जानते ही है अंच से अच हुआ है, अनदिताम हल उपदायादिति से पहले यकार का लोप होके अच हुआ है। अब यहां फिर से नुम का आगम कर लीजिए, नुम का आगम उगिताम सर्वनाम स्थाने से, और नुम का आगम करने पे अब यहाँ पे संयोगांतस्य लोप तो लग नहीं सकता पकार में, नहीं अब यहाँ पे जो है आपका सकार को लोप करने की तो बात है नहीं, हल्गाभ्यो दीर्घास स्थिति प्रक्तमल से औ है, तो अकार नकार और चकार ऐसा है। अब नकार और चकार के लिए संयोगांतस्य लोप से पहले भी आके खड़ा हो जाता है सूत्र, कौन सूत्र आके खड़ा हो जाता है नकार के लिए, नश्च पदांतस्य झली, क्योंकि चकार जल में आ गया और वो क्या करेगा नकार को क्या बना देगा अनुस्वार। स्थिति क्या हुई यहां पर, उद नुम का जो है नकार है और चकार है, और फिर नकार को नश्च पदांतस्य जली से
क्या हो गया? अनुस्वार। और अनुस्वार से यही परसवर्ण से क्या हो गया? यकार। चवर्ग का अंतिम वर्ण परसवर्ण और क्या होगा? चकार जैसा ही होगा। तो चकार में जो है चवर्ग में क्या है? यकार है पंचम वर्ण, तो वो हो गया। तो क्या हो गया? अयंच। देखो तो धातु वहीं आके खड़ी हो गई है अयंच में, लेकिन प्रक्रिया तो होगी। और पर में औ है तो मिला दोगे तो क्या हो गया? उद है, अंच है और औ है, ऐसी स्थिति है। तो क्या हो जाएगा? ये अकार तो मिल जाएगा दकार के साथ, तो क्या हो गया? उदयंचौ, ऐसा रूप सिद्ध हो गया उदयंचौ। प्रथमा का द्विवचन, बहुवचन भी ऐसे कर लेंगे। बहुवचन में क्या है? प्रत्यय पर में जस, जस का है अस, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रुत विसर्ग हो जाएगा। तो रूप सिद्ध होके रुत विसर्ग में क्या हो जाएगा? उदयंच। समझ में आ रहा है ना? कोई कठिनाई इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा रूप सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया स्थिति? अम की स्थिति आ गई। अम की स्थिति में क्या होगा? उसी तरह से आपका जैसे आप करते आए सीधे मिला देना है, और कोई कार्य है नहीं, क्योंकि उदयंचक तक तो उदंत तो आप ले आएंगे, नुम का आगम इत्यादि कर लेंगे, तो फिर मिलाना ही है, तो उदयंचम हो जाएगा। और औ में उसी तरह उदयंचव हो जाएगा। अब यहां पर आउट तक सर्वनाम स्थान हो गए खत्म, सर्वनाम स्थान यहीं तक थे। तो क्योंकि सुड़ नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई थी, तो सर्वनाम स्थान जो थे यहीं तक थे। अब इसके आगे जो है जो प्रत्यय आ रहा है सुऔ जस अमौ शस, तो अब स्थिति थोड़ी सी अलग आ जाएगी। अभी स्थिति क्या आ जाएगी? उद अच तो है ही, क्योंकि यकार का लोप तो कर ही लेंगे। और पर में क्या रह गया? शस का, शस था तो शस का क्या रह गया? अस, दशक पर तदी से यकार चला गया। और यहाँ पे इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है नहीं, तो और कुछ कार्य यहाँ पर उगित जाम इत्यादि का होगा नहीं। तो अब आपने एक सूत्र पढ़ा था अचह, अचह क्या करता है? अकार का लोप करता है। कैसे अकार का लोप करता है? भासंजक अकार का लोप करता है। तो भासंजक अकार का लोप करने से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? लोप अच के अकार का लोप हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसा? लेकिन ऐसा करने से हमारा जो रूप बन जाएगा वो अनिष्ट बन जाएगा। प्राप्त तो है अचह सूत्र, प्राप्त तो है, क्योंकि अचह की सारी कंडीशन से यहाँ मिल रही हैं, लेकिन अचह सूत्र लगाने से हमारा यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? अनिष्ट रूप यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अचह को हम यहाँ नहीं लगाएंगे, तो अचह को बाद करने के लिए सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। उदा ईत ईकार है। सूत्र है 6-4-139। ठीक है, सूत्र छेद कर लेते हैं अर्थात पद देख लेते हैं। उदाह एक पद है इसमें, पंचमी एक वचन है, और ईत है प्रथमा एक वचन, तो दो पद हो गए पंचमी और प्रथमा। ठीक है, भाष्य का यहाँ पर षष्ठी एक वचन भाष्य पद आ रहा है भाष्य सूत्र से ही, और अल्लोपे अनह सूत्र आप पहले देख के आए हैं, उससे अथ की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर। बस वृत्ति कंप्लीट हो गई। क्या कह रही है वृत्ति? उच्च शब्दात परस्य लुप्त नकारस्य अयंचते भस्याकारस्य ईत। ये शस छोटी हो रखी है इसमें उत में और शब्द में, शकार को चकार हुआ है और फिर स्तोष्तुनास्तु लगाया है, तो ये तो समझ में आ गया होगा उच्च शब्दार्थ कैसे बना। समझ में आ गया ना? तो ये क्या कह रहा है कि उद से परे लुप्त नकार वाली अयंचु धातु के, लुप्त नकार वाली तो है ही, आया तो लुप्त नकार हुआ है, लुप्त नकार वाली अयंचु धातु के भासंजक अकार को ईकार आदेश हो,
बाह्यसंज्ञक अकार को ईकार आदेश हो। जरा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आपकी पुनरावृत्ति होगी ध्यान देने से। सूत्र में दो पद हैं, एक पंचमी का और एक प्रथमा का। एक पद इसमें अचह सूत्र से षष्ठी का आ रहा है, अचह। अब ये जो उद और ईत है तो पंचमी के निर्दिष्ट कार्य के लिए हम क्या पढ़ के आए थे, पंचमी जब आ जाती है तो पंचमी के निर्दिष्ट कार्य के लिए हम कुछ सूत्र पढ़ के आए थे, तस्मादियुत्तरस्य पढ़ के आए थे। जरा खोलो, तस्मादियुत्तरस्य क्या कहता है। तस्मादियुत्तरस्य कहेगा कि ये जो आप पर को कार्य कर रहे, ये जो आप पर में बोलते हो, पंचमी का जो कार्य है, वो पंचमी का जो आप कार्य बोलते हो, तस्मात का मतलब वहां पंचमी था। जैसे इको अणची के बाद सूत्र पढ़ा था आपने, वो सप्तमी के लिए था, तस्मादिति उत्तरस्य पंचमी के लिए था। तो पंचमी के लिए उसने कहा था पंचमी निर्दिष्ट दो कार्य हो, वो पर को होना चाहिए। तो पर में क्या, पंचमी निर्दिष्ट क्या है, उद पंचमी है, तो उससे पर में क्या है, अच है, तो अच को होना चाहिए। अब फिर पर में कहाँ होना चाहिए, पर में तो दो वर्ण है, कहाँ बैठा है, उसके लिए फिर आधे परस्य आया था। जरा याद करो आप लोग, उसके लिए आधे परस्य आया था। वो क्या कहता था कि पर में जो कार्य विहित किया गया हो वो किस में होना चाहिए, आदि में हो जाना चाहिए, अर्थात आदि वर्ण को होना चाहिए। ये बात हम पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे। तस्मादियुत्तरस्य ने तो ये कहा कि ये जो पंचमी निर्दिष्ट कार्य है वो पर को करो, अर्थात पर में करो, जिससे निर्दिष्ट हुआ है उससे पर में करो। और आधे परस्य ने ये व्यवस्था आगे दी थी कि आप जो पर में कार्य कर रहे हो, परस्य यद विहितम तत् आदेर बोध्यम, ऐसी थी निवृत्ति। परस्य यद विहितम तद आदेर बोध्यम, जो पर में कहा जाए वो आदि में होना चाहिए। तो आदि में तो आकार बैठा है, तो आकार को होना चाहिए। तो ये जो दोनों सूत्रों की व्यवस्था थी ये वृत्तिकार ने स्वयं ही लिख दी। ये दोनों सूत्रों की व्यवस्था वृत्तिकार ने स्वयं ही लिख दी, नहीं तो वृत्तिकार ये भी कह सकते थे, वृत्तिकार बड़े दयालु है, समझे बच्चों को याद रहे ना रहे विद्यार्थियों को, तो उन्होंने स्वयं ही उसको मिक्स करके उसकी खिचड़ी बना के वृत्ति के रूप में परोस दिया। नहीं तो वृत्तिकार इतना भी छोड़ सकते थे, उद ईत बोले अपने आप व्यवस्था बैठा लीजिए, क्योंकि सूत्र तो हम पीछे पढ़ा के आए हुए हैं आप लोगों को। लेकिन उन्होंने खुद ही व्यवस्था दे दी कि उद से परे जो बात हमें दोनों सूत्रों से समझ में आई वो उन्होंने वृत्ति में अपने आप लिख दी। क्या लिखा, कह रहे उच्च शब्दात अर्थात उद से परे, परस्य परे, लुप्त नकार वाली अयंच धातु के। देखो खुद ही कह दिया, एक तो खुद ही कह दिया कि पर में कार्य करो तस्मादि उत्तरस्य से, तो परस्य लिखकर कह दिया। और दूसरी बात क्या कह दी, भासंज्ञक आकार को ही हो, तो आधे परस्य जो कह रहा था कि आदि वर्ण को हो, तो उन्होंने स्पेशल रूप से लिख ही दिया कि भस्य आकारस्य, कहीं भूल ना जाए ये, नहीं तो हमें ऐसे ही समझ जाना चाहिए था। ये हमने जो इतनी बातें बताई आपको समझ में आई, इन्होंने स्पष्ट खुद से ही कर दिया। ये थोड़ा सा आपको पुराने सूत्रों की पुनरावृत्ति करानी थी और वृत्तिकार की विशेषता बतानी थी कि वृत्तिकार ने किस प्रकार हम पर कृपा की। तो ठीक है, अब कार्य कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, उद से परे लुप्त नकार वाली अंचु धातु है ही, उद से परे है लुप्त नकार वाली अंचु धातु है, क्यों एकार तो उसका चला गया, अच मात्र बता तो लुप्त नकार वाली है, ठीक है जी। भासंज्ञक अकार, इसकी भासंज्ञा है ही, क्योंकि भासंज्ञा तो तभी हो जाती है जब कोई प्रत्यय आ जाता है, जरूरी नहीं है प्रत्यय आने से इसकी भासंज्ञा है, तो किन प्रत्यय तो भी भासंज्ञा हो जाए, लेकिन अभी तो अस भी है तो भासंज्ञा में तो हमें कोई डाउट ही नहीं है इसका। भासंज्ञा नहीं नहीं नहीं, हमने अंग संज्ञा की बात बता दी, वो स्लिप ऑफ टंग बोलते ना अंग्रेजी में, जबान फिसल गई। हाँ भासंज्ञा नहीं, वो अंग संज्ञा की बात बताई। भासंज्ञा तो आजादी प्रत्यय के पर रहते होती है, तो आजादी प्रत्यय यहाँ है ही पर में, है कि नहीं है,
आजादी प्रत्यय यहाँ पर में है ही, और आजादी प्रत्यय और भी मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि पांच तो जो उधर सर्वनाम स्थान से उनको हटाकर जो आजादी प्रत्यय बचेंगे उनकी बात यहाँ पर है। जैसे टा में मिल जाता है, घसी घस में मिल जाता है, उस तरह के आजादी प्रत्ययों की। तो भासंज्ञा है, वो हमने अंग संज्ञा की बात बताई थी, आप लोगों ने पकड़ा नहीं कि अंग संज्ञा की बात है कि प्रत्याती अंग संज्ञा हो जाती, पकड़ना चाहिए ऐसे विद्यार्थी को। तो भासंज्ञा की बात भी हो गई पूरी, तो क्या करें, अकार के स्थान पर क्या आदेश कर देना है, ईकार आदेश कर दीजिए। पूरी कहानी जमा दी गई है, बाकी कुछ बात बची भी नहीं है। अकार के स्थान पर ईकार आदेश कर दीजिए, बैठा दिया जी हमने प्यारा प्यारा ईकार देवता बैठा दिया। ये वर्ण जो है ना, प्रत्येक वर्ण भी ये देवता है। गंभीरता से जब कभी लघु पढ़ के चिंतन करेंगे तब पता चलेगा आ क्या है, ई क्या है, ऊ क्या है, ये सब देवता ही हैं वर्ण भी, इनको साधारण मत समझ लेना। तो उद और ईकार बैठा दिया हमने, ईकार बैठाने के जब हमने ईकार बैठा दिया और इच हो गया और पर में अस है, तो बाकी कोई खास कार्य इसमें है नहीं, बस अजहीनन व्यंजनन परेण संयोजनम, अच के बिना के जो व्यंजन हो उनको पर के साथ में जोड़ जाड़ के मामला सेट कर देना चाहिए, ऐसा हमने सीखा हुआ है। तो दकार भी अच के बिना ही है, उसको इकार के साथ जोड़ लो, चकार भी अच के बिना है, उसको अकार के साथ जोड़ लो, तो क्या हो गया रूप सिद्ध, क्या हो गया उदीच। इसका भी अर्थ क्या हुआ, वही उत्तर देश के जन, उत्तर देश का देश का, उत्तर देश के जन हो देश वैसे उदीच, ऐसा हो गया सिद्ध। अच्छा कहाँ का रूप सिद्ध हुआ उदीच, द्वितीया बहुवचन का। आ जाइए अब तृतीया टा में, टा में क्या करना है, कुछ भी नहीं होना है, खींच खांच कर आपको इसको उदीच तक तो लाना ही है। अच होगा, अच में फिर अकार को इकार आदेश करोगे क्योंकि भासंज्ञा है, लुप्त नकार वाली अंच धातु है, पंचमी निर्दिष्ट है, सारी शर्तें पूरी हो रही है, वहां पे भी उदीच से फिर टा का आ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा उदीच। समझ में आ रहा है ना, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। फिर जो है यहां जब भ्याम की स्थिति आएगी उद, और उद के बाद में जो है अच, और स्थिति आ गई भ्याम की, तो भ्याम की स्थिति यहां पर तो आपकी भासंज्ञा तो मिलेगी नहीं, यहां तो पद संज्ञा तो मिल जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, और पद संज्ञा जब आगे खड़ी हो जाती है तो फिर वो भासंज्ञा तो होने नहीं देती, और वैसे भी भासंज्ञा का तो नियम ही अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिस प्रकार पहले आपने किया था पूर्व के रूपों में, क्या किया था अच है और वहां से आपको जो है उसको चकार को क्या किया, अच के चकार को क्या करेंगे चौकू से, सही बोल रहे हो, बताओ बताओ, अच्छी बात, बहुत बढ़िया। चकार को ककार और फिर जलाम, नहीं चकार को, चकार को क्या किया आपने पुत्र, हाँ तो क्या हुआ चकार के स्थान पर ककार, ककार हो गया। और फिर जलाम जसवंते से क्या हुआ, क्योंकि पद संज्ञा हो गई ना स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, और जलाम जसवंते हमेशा पद संज्ञा में ही लगता है, पदांत में मांगते, तो क्या हो गया गकार, गकार। तो रूप क्या बन गया यहाँ तृतीय के द्विवचन में, उद्भ्याम, हाँ उद्भ्याम है। अब आगे क्या आ गया हमारा, हाँ नहीं दकार है तो उद्भ्याम होगा, उद्भ्याम। फिर क्या हो, इसी तरह उद्भ भी ही, कोई खास इसमें और कार्य नहीं है, और जहां भासंज्ञा हो वहां पर उदीच होगा तो उदीचे हो गया चतुर्थी में, क्यों गे प्रत्यय है ना वहां, और उदग्भ्याम उद्भ्यः, और फिर से गसी और गस में क्या हो गया उदीच उदीच, उदग्भ्याम उदग्भ्यः, और ओस में क्या हो गया उदीचोस, तो फिर सकार रुत विसर्ग तो उदीचो हो उदीचो हो, और आम में क्या हो गया उदीचाम है कि नहीं, फिर क्या हो गया गी में उदीची, क्योंकि ये तो आजादी विभक्ति है ना, विभक्ति है ना, भासंज्ञा है यहां पर उदीचो हो, और जहां आपने ककार किया था चौकू से सुप की स्थिति में, ककार होते ही
अब यहां क्या होगा, ककार होके फिर ककार, ककार होने के बाद में क्या सूत्र लग सकता है आपका, का और सा पर में कौन सूत्र लग सकता है, का और पर में सा है, सुप का, सुप में चले गए आदेश प्रत्ययों से सकार को क्या हो जाएगा, हाँ चौकू से ककार, फिर आदेश प्रत्ययों से सकार को मूर्धन्य सकार, तो फिर का और सा को मिला देंगे तो क्या बन गया, उदक्षु, बस संबोधन के प्रथमा की तरह बन गए, रूप सिद्ध हो गए, उदंग उदंच उदंच उदंचम उदंच उदीच उदीचा उदग्भ्याम उदग्भीः उदीचे उदग्भ्याम उदग्भः उदीचः उदग्भ्याम उदग्भः उदीचः उदीचोः उदीचाम उदी उदीचि उदीचोः उदक्षु हे उदंग हे उदंचौ हे उदंचः। इस प्रकार का आपको जो है ये रूप इसका सिद्ध हो गया। ऊपर जाने वाले व्यक्ति को, उत्तर की तरफ जाने वाले व्यक्ति को, अथवा उत्तर के देश, उत्तर के काल, उत्तर के जन के लिए ये शब्द प्रयोग में हो जाता है। एक पूर्व के लिए हुआ, फिर एक पश्चिम के लिए हुआ, फिर एक उत्तर के लिए हो गया, इस तरह। अब एक और आ रहा है, सम उपसर्ग पूर्वक क्या आ रहा है, अभी अयंचु धातु चल रही है तो अब की बार योग क्या बना रही है, सम उपसर्ग पूर्वक, और क्विन प्रत्यय कर लीजिए फिर से, और क्विन प्रत्यय करने के बाद में फिर क्या होगा, आपका सर्वापहार लोप हो जाएगा। स्थिति क्या है, उत्तु चला गया, अब सम शब्द आ गया, तो सम पूर्वक वही हमारा अच आ जाएगा, और सु अच तक तो ले आएंगे आप खींच के, इसको कैसे लाएंगे, वही अनिदता महालोपदायागीति से यकार का लोप कर लेंगे, तो सम और अच धन सु, ऐसी स्थिति आ गई आपकी, सम अच धन सु सकार। ऐसी स्थिति में फिर, अच्छा इसमें क्विन प्रत्यय आया था, तो क्विन प्रत्यय आया था तो क्विन में वकार भी तो था कि नहीं था, क्विन प्रत्यय में ककार भी था, नकार भी था, वकार भी था, तो वकार से उसको व प्रत्यांत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ना प्रत्यांत भी कह सकते हैं, का प्रत्यांत भी कह सकते हैं, और व प्रत्यांत भी कह सकते हैं, वकार था कि नहीं उसमें, तो उसको व प्रत्यांत कह सकते हैं, तो उसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है, समह समी, समह समी, सूत्र समा समी 6393। क्या कह रहा है सूत्र, व प्रत्यांते, व प्रत्यांत जो शब्द हो कौन सा, बोले वही अयंच तऊ परे, वही अयंच तो धातु, वही अयंच धातु, अयंच धातु हो और व प्रत्यांत हो तो व प्रत्यांत तो है ही वो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाए, यदि सम पूर्व में बैठा हो तभी तो कहोगे सम को समी आदेश हो जाए, सम को समी आदेश हो जाए, ठीक है, सम के स्थान पर समी तो लिखना है, लिख देते हैं, बाकी शर्त आपकी सारी पूरी हो रही है, सम के स्थान पर समी हमने रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सम के स्थान पर समी रखने के बाद में फिर अगली प्रक्रिया कर लीजिए। अगली प्रक्रिया क्या होती है, उगितताम सर्वनाम स्थाने से पांचों के पांचों सर्वनाम स्थान में नुम का आगम होगा, नकार हो जाएगा, अंच हो जाएगा, अंच की स्थिति में सु का लोप कर दोगे, किससे कर दोगे, सु का लोप हल से लोप करने के बाद में चकार का लोप आप कर दोगे संयोगांतस्य लोप से, क्या रह जाएगा, अन रह जाएगा, समीपूर में चल रहा है, अब ये ध्यान रखना समीपूर में चल रहा है और रह गया क्या, अन, अन में फिर से आप क्या लगा दोगे, क्विन प्रत्यय, प्रक्रिया वही है, क्विन प्रत्यय को नकार को ककार बना दोगे, तो क्या हो गया यहाँ पर समी, और ये नकार से ककार हो गया, और समी है तो लास्ट में एकदम अंत में अब आप क्या कर सकते हैं, इको यणची प्राप्त है, इकार से पर में अच है, हाँ तो एक स्थाने यण बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मकार हो जाएगा हलंत, और क्या बैठ जाएगा यहाँ पर यकार, यकार और अकार मिलेगा तो हलंत से यकार हो जाएगा पूरा, तो रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, सम्यंग।
ठीक है, कोई कोई वो तो नहीं है इसमें कंफ्यूजन। नहीं। अच्छा अब क्या कर लीजिए आप इसमें, उसी तरह से जैसे पहले करते आए, औ में, औ की स्थिति में क्या होता है हमारा हल्ज्ञाभ्यो दीर्घाश्रुति लगता नहीं है, वो नहीं लगता है तो वहां पर फिर जो है नश्च पदांतस्य झलि आगे खड़ा हो जाता है नुम का आगम होते ही। जैसे ही नुम का आगम हुआ उगित साथ सर्वनाम स्थाने से नश्च पदांतस्य झलि आगे खड़ा गया, नकार को बना देगा अनुस्वार और अनुस्वार से यही परसवर्ण है, अनुस्वार को बना देगा परसवर्ण चकार का, तो परसवर्ण से यकार, उसी तरह से फिर ये समी लास्ट में जो है आप इको यणति लगा लेंगे। बिल्कुल समी चल रहा है तो फिर क्या बन जाएगा आपका सम्यंचौ, सम्य सम्यन चौ, और फिर क्या बन जाएगा आपका सस्मे, ये तो हो गया औ में, सस्मे क्या बन जाएगा इसी तरह सम्यंचो, और फिर आगे भी अम में भी आप बना लेंगे वहां भी कोई कठिनाई नहीं है, ओट में भी आप बना लेंगे वहां भी कोई कठिनाई नहीं है, सीधे आ जाइए समी अच धन शस में, शस माना अस। इसमें क्या है अकार लोप आप जानते हैं, अकार लोप हो जाता है। अब अकार लोप हो जाने से फिर अकार जब लोप इसमें हो गया तो स्थिति क्या होगी, थोड़ा लिख देते हैं विद्यार्थी कभी कोई कंफ्यूज ना हो जाए। समी अच धन शस का अस लिख रहे हैं सीधा, अच है, अच में अकार लोप हो गया, किससे हो गया अकार लोप, अचह से, चकार मात्र शेष रह गया, समी चकार धन अस, ऐसी स्थिति हो गई कि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपको चौ सूत्र प्राप्त है, चौ सूत्र क्या करता था याद है थोड़ा बहुत, जी क्या करता था, इनको अण को दीर्घ कर देता था, किसको दीर्घ कर देता था, अण को, अण वो को, कहता था लुप्त जो हुआ है ना, लुप्त अकार वाला जो है, लुप्त नकार अकार वाला जो है उससे पूर्व अण को किसमें किया था ऐसा, हमने दीर्घ प्र में किया था ना, प्रांग बनाया था ना दीर्घ करके ऐसे ही, तो ये ईकार जो है ये समी हो गया, समी था ये तो ये क्या हो गया समी, और चकार है मिला देंगे अस मिला देंगे तो क्या हो गया रूप सिद्ध द्वितीया के बहुवचन में समी चह। ठीक है कोई कंफ्यूजन नहीं, चल रही तो समी चह रूप सिद्ध हो गया। इसको बोलते हैं ठीक चलने वाले को, जो बिल्कुल ठीक ठीक चलता हो उसको बोलते हैं, ये जो रूप सिद्ध हो रहा है समी वाला, समी के साथ जो अंचु धातु ने योग करके जो रूप सिद्धि कराई है हमारी अभी, वो जैसे सम्यंग हुआ, सम्यंच हुआ, सम्यंच हुआ, अभी समीचह भी रूप सिद्ध हो गया, तो उसको बोलते हैं ठीक चलने वाले के लिए। ठीक है ना, सम्यक जो है ठीक चलने वाले को बोलते हैं। तो इसी प्रकार बाकी के रूप भी आप सिद्ध कर लेंगे, इसमें कोई कठिनाई है नहीं, हो तो बताएं यदि कठिनाई आए तो, क्योंकि बिल्कुल वही प्रक्रिया है। हाँ सम्यंग, हाँ सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः सम्यंचम सम्यंचौ समीचः समीचा समग्भ्याम सम्यक भी समीचे, जहां जहां ये भाष संज्ञा हो रही है वहां क्या है, वहां कुछ भी उसको विशेष कार्य कुछ है नहीं, मिलाना ही तो है, समीच तक तो खींच के ले आएंगे आप, क्योंकि तो भाष संज्ञा थी शस में, वहां पर वो आपको जो है दीर्घ कर देना है पूर्वण को और फिर मिला देना है समीचे समग्भ्याम, और जहां पर ये हल है आपके पद संज्ञा हो रही है वहां भी उसी तरह जो है आप उसको पहले ककार बना लेना चकार को, और चकार को ककार चौकू से, और ककार बनाने के बाद में आप उसको जलाम जसवंते, क्योंकि पद संज्ञा हो गई, ककार को ककार बना लेना जलाम जसवंते में, जब जस आदेश होता है तो तृतीय वर्ण बैठता है, ये आप शॉर्टकट आपने सिखाया गया था आपको, तो समीचे समग्भ्याम समग्भ्य समीच समग्भ्याम समग्भ्य समीच समीचो हो समीचाम समीची समीची समीचो हो, और यहाँ का और शा मिलेगा तो सम्यक्षु ऐसा बन जाएगा, तो इसमें और कोई विशेष बात थी नहीं। अब एक आ रहा है साथ साथ चलने वाले साथी जो हो, हाँ साथी कहते हैं ना दोस्त साथी, साथ साथ चलने वालों को है, लघु पढ़ने वाले कई विद्यार्थी साथ साथ चल रहे हैं पढ़ाई में, या साथ साथ कहीं पैदल चल रहे हैं, साथी हो गए उनके लिए शब्द आ रहा है, इनके अर्थ भी हमें पता रहना चाहिए इसलिए बीच बीच में इनके अर्थ भी बताते रहते हैं। अभी साथी के लिए ये आ रहा है, इसमें भी क्या है धातु वही की वही, देखो कितना चमत्कार हो रहा है, यही व्याकरण जगत का चमत्कार है, एक धातु को लेकर
धातु के पूर्व में अव्यय लगाकर उपसर्ग लगाकर पूरा का पूरा अर्थ ही बदल दे रहे हैं। धातु वही की वही और चार पांच रूप अभी हम सिद्ध कर चुके, सबके अलग अलग अर्थ, अब एक और अर्थ नया घटित कर रहे हैं। साथ चलने वाले के लिए, साथी के लिए, सह पूर्वक, अब सह तो अव्यय है, बाकी सब तो अभी तक जो थे प्र था, प्रति था, सम था, ये सब जो थे उपसर्ग थे, लेकिन सह उपसर्ग नहीं है, ये तो अव्यय है। तो सह अव्यय पूर्वक वही अयंच धातु है अयंचु, और उसी तरह से आप उसको खींच तान कर अच तक ले आएंगे। ये आप जानते हैं, उकार को उपदेशे अजनुनासी कित अदर्शनम लोपा तस्य लोपा, अयंच बचा उगित, फिर उसके बाद अयंच में आप अनिदितम हल उपदायांगिति से आप इसके यकार का लोप कर देंगे, अच बच गया। तो सह और अच बच गया, किन प्रत्यय वाली धातु है, तो ये इसका सर्वापहार लोप हो ही गया था। अब ऐसी स्थिति में फिर जो है आपको यहां पर क्विन प्रत्यय वाली धातु है, तो पहले भी आपको बताया था कि वह प्रत्यंत कहलाएगी, है वह प्रत्यय था इसमें। देखो ये जो दो सूत्र हैं, अभी जो आपने सूत्र पढ़ा समा समीही, इसने भी वह प्रत्यय को लेकर ही अपना सूत्र गढ़ दिया, और अगला सूत्र है वो भी वह प्रत्यय का जिक्र करके ही अपना सूत्र गढ़ दिया गया, सूत्र उसी तरह का बनाया गया वृत्ति की वह प्रत्यय को ही ध्यान में रखते हुए। तो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, सहस्य सद्रिही, सहस्य सद्रिही, सहस्य सद्रिही, 6394 है, ठीक है, हाँ ठीक है, सही। क्या कह रहे हैं सूत्र में, पद देखेंगे तो सद्री ही एक पद है प्रथमा का, प्रथमा का पद कोई दिखाई दे जाए तो अंदाजा हो जाता है कि आदेश होगा कुछ ना कुछ ही। अच्छा, दूसरा सहस्य पद है, तो सहस्य पद तो षष्ठी का है ये आप जानते हैं, और वृत्ति क्या कह रही है, उसी तरह पूर्व की तरह ही इसकी वृत्ति है, 7 नंबर टिप्पणी वृत्ति पर दी हुई है, 7 नंबर में जाएंगे। बस जो बात उन्होंने वहां नहीं लिखी वो टिप्पणकार ने, देखो पहले केवल सूत्र होते थे, फिर सूत्रों पर वृत्ति लिखी गई, फिर वृत्ति से भी काम नहीं चला तो टिप्पणकारों ने टिप्पणियां लिखी। तो टिप्पणी क्या कह रही है, 7 नंबर, व प्रत्यांते अंचतो परे सह शब्दस्य सद्री आदेश इत्यर्थः, बोले ये जो टिप्पणी है ये तथा का मतलब ये है कि वह प्रत्यांत जो ये अंश धातु है आपकी, इससे परे व इसके परे रहते हुए जब ये सह से परे हो तो सहस्य अर्थात सह के स्थान पर षष्ठी असाम में तो सह के स्थान पर सद्री आदेश कर दीजिए, ये बात वृत्ति ने कहा। तो ठीक है, सह के स्थान पर क्या लिख दें, हम सद्री लिख देंगे, आदेश करने में करना ही कितना है, थोड़ा कलम इधर उधर घुमानी, सद्री आदेश कर दिया, सद्री अच, हाँ अच रह गया था अंच में से, ये तो आप जान ही गए, और पर में सकार है, प्रक्रिया आप लेके आइए वही, बाकी कोई और कार्य इसमें होना नहीं है, सारी प्रक्रिया सकार का लोप कर लीजिए अलगाव्यो दीर्घा स्थिति प्रक्तम हल से, नुम का आगम कर लीजिए उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातो से, उगितचाम सर्वनाम स्थाने से नुम का आगम कर लीजिए, नुम का आगम करने के बाद में नकार मात्र शेष रह गया संयोगांतस्य लोका लोपा से चकार का लोप कर लीजिए, वही सारी की सारी प्रक्रिया है सद्री, और फिर नकार को लास्ट में क्विन प्रत्यय से नकार को आप नकार आदेश कर लेंगे, और सद्री और अंग, और सद्री और अंग की स्थिति बन जाएगी, बाकी तो कोई कार्य हुआ नहीं, अच से अंग तक तो वैसे ही पहुंच रहा है, आपने कोई कार्य विशेष के है नहीं जैसे पहले होता है, बस यहां पर ही कोई अणजी लग जाएगा, इकारी की साने यण बैठ जाएगा, तो क्या रूप बन जाएगा प्रथमा एक वचन का, सद्रंग, किसको बोलते हैं सद्रंग, साथ साथ चलने वाले सद्रंग, ऐसा
साथी को बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका जो है जहां नुम का आगम होगा औ में, वहां उसी तरह से जो है नुम के आगम में आपके दो सूत्र आगे खड़े हो जाते हैं, नश्च पदांतस्य दिली और अनुसारस्य, यही परसवर्ण है, बाकी प्रक्रिया सारी वही की वही है, कोई विशेष कार्य नहीं है, रूप सिद्ध कर लेंगे, रूप सिद्ध उसी तरह होगा, साथ चलने वाले को साथी को सदृच बोलते हैं, सदृंग बोलते हैं, उच्चारण कर लेंगे, सदृंग सदृयंचौ सदृयंचो सदृयंचम सदृयंचौ सदृच सदृचा सदृग्भ्याम सदृग्भि सदृचे सदृग्भ्याम सदृग्भ्यः सदृचा सदृग्भ्याम सदृग्भ्यः सदृच सदृचो सदृचाम सदृची सदृची सदृचो सदृक्षु हे सदृंग हे सदृयंचौ हे सदृयंचो। बस हो गए रूप सिद्ध के। अच्छा, अब जो है प्रक्रिया किसकी आ रही है आगे, अब आपको धातु वही चल रही है हमारी, धातु हमारी वही की वही है, इसमें कोई अंतर नहीं। आगे चलना है या कैसे करना है? तीन रूप हो गए हैं। चलो ठीक है, फिर बाकी कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, ये रूप हम बहुत तेज पाठ नहीं चलाते हैं, बहुत आराम आराम से हंसते खेलते लघु कर रहे हैं, तो आप इसलिए प्रत्येक रूप को सिद्ध कर ही लिया करें, अपने हाथ से पूरी प्रक्रिया लिख लिया करें। आज भी भेजे हैं मुझे, भेजे हैं विद्यार्थियों ने, लेकिन रोज रोज मैं फिर से बोलता हूँ, कहीं भूल ना जाओ, इसलिए प्रत्येक को सिद्ध कर लिया। ठीक है।